गुजरात की गलियों में हैं और लोगों से ही बातचीत करते हैं कि 2022 में अब की बार होने वाला क्या है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा दावा कर रही है कि 27 साल से तो हम यहां पर हैं सत्ता में और अब की बार भी सत्ता अपनी बनाएंगे। तो कुछ महिला यहां पर बैठी हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं कि आखिरकार सरकार आएगी कि जाएगी। तो इनसे ही बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? शारदाबेन। शारदाबेन, क्या लगता है बीजेपी का कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? ना हुआ। अच्छा, क्या काम आपको सबसे बेहतर लगा बीजेपी का? क्या काम सबसे बेहतर लगा बीजेपी का? विकास लगा या सुरक्षा लगा? विकास करो, करो विकास करो हुआ है। हाँ, करो करो सर। ऐसा तो नहीं है कि केवल कागजों में विकास हुआ हो पर धरती नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। सरस करो विकास हो। अच्छा, सरस हुआ है, मतलब विकास में। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? कुंदन बेन, क्या लगता है कितना विकास हो पाया है यहाँ पर? विकास हुआ। अच्छा, महिलाओं को सब सुरक्षित है महिला। अच्छा, केजरीवाल को तो जानते होंगे जो दिल्ली में है, वो कह रहे हैं कि अब की बार बिजली फ्री और पानी फ्री मिलेगा यहाँ पर। वो तो सब बताइए कहने की बात है वो या मिलेगा? उधर भी सब बोलता है लेकिन मिलेगा तभी। अच्छा, तो वोट किसको दोगे अब की बार? कमल को ही दोगे? ऐसा तो नहीं है कि बस केवल कहने के लिए है, वहाँ जाके झाड़ू का बटन। नरेंद्र मोदी हमारा पड़ोसी है। नरेंद्र मोदी पड़ोसी है, उधर ही अंबिका है मैं ना, वो उसका वोट उधर ही आता है ना। अच्छा, निशान में सोम भाई का ही पे वो है घर है, तो इसलिए अब की बार उनकी तरफ ही जाएंगे। मतलब आप तो फिर मोदी जी के पड़ोसी हो गए, तो इसलिए उनको ही वोट दोगे। तो इनका कहना है उनको ही वोट देंगे। आपका क्या नाम है जी? हमें, हमारा नाम अंशा बहन है। अंशा बहन, किसको वोट दोगे अब की बार? हमें भाजपा ने बता पीएससी कायम मटे। अच्छा, भाजपा को दोगे? दोगे कायम। क्यों, बढ़िया लगा भाजपा का काम? हाँ, भाजपा हमने प्याला थी जगह में से, हमें भाजपा ने बता पीएससी प्याला। अच्छा, फ्री कुछ मिला? राशन की बात करती है जैसे बीजेपी, फ्री राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? नहीं मिला है। नहीं मिल रहा? हाँ, बीजा कोई नहीं, पता नहीं मेरे भारत बोला भाजपा ने बता लिया, बीजा कोई नहीं, अपना भाजपा गमे से बीजा कोई नहीं, मम्मी बता पता नहीं कम। अच्छा, हाँ ठीक। आपका क्या नाम है? सुभद्रा बहन। क्या लगता है अब की बार कौन मुस्कुराएगा? भाजपा ही मुस्कुराएगी। हाँ, ऐसा क्यों? बस अच्छा है, वो अच्छा काम करता है। 27 साल से ऐसा लोगों के दिलों में क्या आ गया कि बीजेपी को ही वोट दे रही है? नहीं, उसके अलावा कोई नहीं लगता क्या? नहीं। अच्छा, अजय देखो सब्जी काट रहे हैं, महंगाई की बात कर लेते हैं, महंगाई कैसी है? महंगाई तो बहुत सारी बढ़ गई है। अच्छा, हाँ। तो फिर भी सब्जी में जब तड़का लगता होगा तो थोड़ी महंगाई की सूंग भी आती होगी? हाँ, आती है ना। तो क्या लगता है कि किसको वोट दोगे? भाजपा को ही दूंगी। फिर भी भाजपा को ही दोगे? क्योंकि होने के बाद हाँ, वो तो अपने तरफ से तो अच्छे है, महंगाई तो उसने बजाई है, लेकिन अपने तो क्या करे, तो उसका तो काम ही है ना। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी को ही वोट देना है? महंगाई बढ़े कुछ भी हो तब भी? नहीं, बीजेपी को काम अच्छा लगता है, वे महंगाई बढ़ी उसने। अच्छा, लेकिन उसकी तरफ से तो उसने, अपनी तरफ से तो उसने बढ़ाई है। अच्छा, लेकिन बहुत सारी नहीं बढ़ाई है। अच्छा, जो अपने को होती है वही बढ़ाई उसने। अच्छा, महंगाई अपने को लगता है वही? हाँ, वही। मतलब सब्जी वब्जी में कुछ इतना वो तो नहीं लगता कि हाई चला गया? इतना तो नहीं लगता हमको हाई, नहीं। अच्छा, तो इनका कहना है इतना नहीं लगता। ये आंटी खड़ी है, आंटी क्या नाम है आपका? उषा बहन। क्या लगता है कितना ज्यादा विकास हो पाया है यहाँ पर अहमदाबाद में? बहुत विकास हो पाया है, पुलवा मेट्रो ट्रेन आई है, बहुत विकास किया है मोदी साहब ने। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब की बार सरकार बन पाएगी कि चली जाएगी? बन पाएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी जैसे आ गई, वो कह रही है फ्री बिजली पानी, हम ये सब चीज यहाँ पर करेंगे, चिकित्सा और शिक्षा को बढ़ाएंगे, तो क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं आएगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी क्या लगता है? राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं और अब की बार गुजरात में यहाँ पे वो करेंगे। नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस केवल बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी चाहिए। इनका कहना है केवल बीजेपी ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत करी, उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, महंगाई कितनी हो जाए, हमें चाहिए केवल एक ही पार्टी, वो है बीजेपी। आपको क्या लगता है? अगर जो गुजरात से हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हेडलाइन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।